आज हम मुंह में घुल जाए ऐसी बेकरी स्टाइल कढ़ाई में नान खटाई बनाएंगे। तो चलिए रेसिपी की शुरुआत करते हैं और बनाते हैं बेकरी स्टाइल नान खटाई। आधा कप देसी घी लिया है, ये 100 ग्राम देसी घी है। इसे एक बाउल में डाल देते हैं। घी हमें रूम टेम्परेचर का ही लेना है। 3/4 कप पाउडर चीनी, चीनी को मिक्सर जार में डाल के पाउडर बना लिया है, ये 100 ग्राम जितना चीनी का पाउडर है। इसे हम अच्छे से फेंट लेते हैं। घी और चीनी का पाउडर एकदम फ्लफी हो जाए तब तक इसे फेंटना है। 2 मिनट हमने इसे एकदम अच्छे से फेंट लिया है और आप देख सकते हैं कि घी और चीनी का मिश्रण एकदम लाइट हो गया है और हल्का भी हो गया है। इस तरह से एकदम फ्लफी हो जाना चाहिए। आधी टीस्पून इलायची पाउडर डालेंगे, थोड़ा सा जायफल पाउडर डालेंगे, 1/4 टीस्पून में थोड़ा कम हमें डालना है। इसे नटमेग पाउडर भी कहते हैं, इसे आपको नहीं डालना है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। जायफल पाउडर डालने से नान खटाई का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके ऊपर हम एक छन्नी रख देंगे। 1 कप मैदा लिया है, ये 100 ग्राम मैदा है। 2 टेबलस्पून बेसन, 2 टेबलस्पून सूजी, 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर, इसे हम छान लेंगे। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इसे हमें डो की तरह बना लेना है। नान खटाई का मिश्रण अगर थोड़ा ड्राई हो जाए तो आप इसमें 1 चम्मच दूध मिला सकते हैं। नान खटाई के डो को हमें ज्यादा मसलने की जरूरत नहीं है, इसे ज्यादा मसलना नहीं है। ये थोड़ा इस तरह से बिखरा बिखरा ही रहेगा, जिस तरह से हम आटा गूंथते हैं वैसा ये स्मूथ नहीं होगा। हमारा डो इसी में ही बन गया है तो हमें इसमें दूध डालने की जरूरत नहीं है। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से ये मिक्स हो गया है और थोड़ा सा भी ड्राई नहीं है। नान खटाई बेक करने के लिए हमने कढ़ाई ली है। कढ़ाई के अंदर हमने नमक डाला है, ये नमक हमने पहले भी इस्तेमाल किया हुआ है, इसके लिए इसका कलर थोड़ा डल है। आप फ्रेश नमक भी ले सकते हैं। नमक मैंने लगभग 1.5 कप जितना अंदर डाला है। इस तरह की एक रिंग रख देंगे अंदर। आपके पास अगर ऐसा स्टैंड है तो ये स्टैंड भी आप अंदर रख सकते हैं, और अगर ये भी नहीं है तो आप इसमें वाटी भी रख सकते हैं। गैस चालू कर देंगे, ढक्कन लगा के तेज आंच पे 5 मिनट के लिए इसे गर्म कर लेते हैं। नान खटाई बनाने के लिए हमने ऐसी ढोकले की थाली ले ली है, जो इडली के कुकर में आता है उसकी ही थाली हमने ली है। इसके बदले में आप स्टील की थाली का भी यूज कर सकते हैं। इसे हम थोड़ा घी से ग्रीस कर लेते हैं। नान खटाई का जो हमने डो बनाया है इसमें से हम नींबू की साइज की लोई बना लेते हैं। आपको जिस साइज की बनानी है, छोटी या बड़ी, उस हिसाब से आप लोई बनाएं। इस तरह से इसे राउंड कर लेंगे और फिर थोड़ा चपटा कर लेंगे। ये प्लेट में रख देंगे। इस तरह से इसकी लोई बना लेते हैं। थोड़ा सा इसे फ्लैट करना है, थोड़ा सा इसे चपटा करना है। इसे हम प्लेट में थोड़ी थोड़ी दूरी पर रखेंगे। इसके ऊपर हम उंगली से थोड़ा खड्डा कर लेंगे इस तरह से। पिस्ता का रफली पाउडर बनाया है, ये ऊपर रखेंगे इस तरह से, थोड़ा दबा लेंगे। इसी तरह से सभी नान खटाई के ऊपर पिस्ता का पाउडर रख देते हैं। इसके बदले में आप साबुत बादाम या काजू भी ऊपर लगा सकते हैं। हमने इसे 5 मिनट तेज आंच पे अच्छे से गर्म कर लिया है। नान खटाई अंदर रख देंगे। लो टू मीडियम फ्लेम पे 10 मिनट के लिए इसे बेक करेंगे। ऊपर ये ढक्कन लगा देंगे। इस तरह से आप कुकर में भी इसे बेक कर सकते हैं। 10 मिनट हो चुकी है तो इसे हम देख लेते हैं। अभी तक ये बेक नहीं हुई है तो इसे हम 5 मिनट और रखेंगे। 5 मिनट इसे और बेक करते हैं। और 5 मिनट हमने रखा था इसे मीडियम फ्लेम पे। टोटल हमने 15 मिनट इसे बेक किया है और आप देख सकते हैं नान खटाई का कलर भी चेंज हो गया है, तो इसे हम निकाल लेते हैं। नान खटाई बहुत ही अच्छे से बेक हो गई है।
इसे हम रूम टेम्परेचर पे आ जाए तब तक ठंडा करेंगे और इसके बाद अंदर से निकालेंगे। इसी तरह से हम दूसरी नान खटाई भी बेक कर लेते हैं। नान खटाई रूम टेम्परेचर पे ठंडी हो गई, इसके बाद ही हमने थाली में से निकाल लिया है। गरम गरम नान खटाई को हमें हाथ नहीं लगाना है, अगर गरम नान खटाई को हम हाथ लगाएंगे तो ये टूट जाएगी। इसके लिए इसे रूम टेम्परेचर पे ठंडी करना है, उसके बाद ही इसे हाथ लगाना है। तो ये एकदम ठंडी हो गई है और बहुत ही अच्छी बेक हो गई है, नीचे से भी एकदम अच्छा लाइट ब्राउन कलर आ गया है। तो कितने आसान तरीके से हमने कढ़ाई में नान खटाई बनाई है। आप इसे एक बार जरूर ट्राई करें। रेसिपी आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे जरूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो मिलते हैं अगले और एक नए वीडियो के साथ में।